यस, सो द चैप्टर एंड हेयर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बस फॉलो करते हो मेरे हेयर की वजह से, आई नो दैट। और उसके बावजूद मैंने अपने सारे हेयर को कटवा दिया एंड इन फ्रंट ऑफ यू आई एम जस्ट बीइंग बाल्ड। सो ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐसा मैंने किया कि मैंने अपने पूरे हेयर को निकाल दिए। चाहता तो मैं थोड़े ट्रिम पर भी जाता। इसका पूरा आपको बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन का आपका जवाब करता हूँ जो मुझे लगता है, बट अगर कुछ भी छूट जाएगा तो वापस से नीचे कमेंट करना, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी जिनके अंदर आप मेरे फ्रेंड्स लोगों का रिएक्शन देखोगे कि वो कैसा रिएक्ट किए, क्योंकि अभी ये वीडियो पब्लिश करने से पहले मैं उन सभी का एक रिएक्शन लूँगा, तो उसको भी देखना आप, मज़ा आएगा आपको आई नो, क्योंकि मैंने दो से बातें की हैं अभी तक और दोनों के रिएक्शन बहुत ही वैसे टाइप के थे। और हाँ भाई साहब, अगर वो सब गाली देंगे तो समझ जाना कि हाँ नाम का ही अल्फा हूँ, दोस्तों के बीच में कोई भी अल्फा नहीं होता है, कोई किसी भी तरीके से ट्रीट करता है। सो द क्वेश्चन इज कि मैं क्यों पूरा गंजा हो गया। देखो, मेरे लाइफ का ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था और डिसीजन भी था कि मैं अपने हेयर को ग्रो करूँ। लाइफ में वो पहले एक आता था ना लाइफ बॉय वाला एड, जिसके अंदर बड़ा छोटा सा बच्चा होता था, वो वही जंप से अटैक वाला ऐसा एडवर्टीजमेंट चलता था, तो उसमें मैं उनके हेयर को देखा था। तो वो इतना आई थिंक इतने इतने लंबे रहते थे चारों साइड से, और मैं उस टाइम पे छोटा था, क्लास 5 6 में अराउंड रहा होगा, पर मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता था, बट मैं वैसा कभी रख नहीं पाता था और स्कूल के टीचर्स भी अलाउ नहीं करते थे। तो मेरे दिमाग में तभी से ऐसा था कि हाँ लाइफ में एक बार मैं हेयर को ग्रो करूँगा, बट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पहले लॉकडाउन में मैंने ग्रो करने की कोशिश की थी और मैंने काफ़ी ग्रो भी किया था, बट इधर के उस टाइम पे मैं साइड से बिल्कुल फेड रहता था पहले, तो इधर के हेयर जो थे वो बहुत बड़े हो गए थे और इधर के बहुत छोटे थे, वो दिखने में बड़ा ऑड दिखता था, वो सही से संभल भी नहीं रहा था। तो पहली बार मैंने कट किया और फिर सेकेंड लॉकडाउन के आने से पहले मैंने वापस से हेयर को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। आपने मेरी वो पुरानी जर्नी देखी होगी, ऊपर आई वाल पे उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से उसे देख सकते हो कि मैं कब से ग्रो कर रहा हूँ, और तब से मैं ग्रो कर रहा हूँ। और उसके बाद हेयर को आई थिंक इन पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर मैं 2 या 3 बार बस मेंटेनेंस कट के लिए गया था, और एक बार मैंने शायद वीडियोस भी बनाई थी जिसके अंदर बार्बर ने इतना बोलकर इतना राउंड काट दिया था हेयर, तो काफ़ी छोटे हेयर दिख रहे थे। और उसके बाद बस थोड़े थोड़े ट्रिम निकल कराता था और जो स्प्लिट एंड होते थे उनको फिक्स करवाता था। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे हेयर को देखा होगा कि वो कैसा है, जो रियल लाइफ में देखे हैं उन्हें तो और अच्छे से पता चलता है, कैमरे के सामने तो सभी लोग अपने बाल को अच्छे से सेट करके आते हैं तो पता नहीं चलता है। तो मैं अपने हेयर के ऊपर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता था, ऑयलिंग बहुत होता, तो हेयर मास्क मसाज बस यही सब, कोई वैसा खास वैसा चीज़ नहीं। हाँ अच्छे शैम्पू, अच्छे कंडीशनर, लेविन कंडीशनर ये होते थे। तो मेरे हेयर का जो कह सकते हो अगर कि टेक्सचर बताऊँ तो वो काफ़ी थिक है और ड्राई है, और इसकी वजह से मेरे हेयर जैसे जैसे लंबे होते गए तो उसके जो नीचे लास्ट वाले एंड वाले पोर्शन होते गए वो और ज़्यादा ड्राई होते गए। एंड अगर कि आप रियल में मुझे देखते तो आपको पता चलता कि ओ इसके जितने हेयर एक्सपोज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं बस ड्राइनेस की वजह से, और जो अंदर के हेयर हैं जो अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं वो डार्क हैं अभी भी, और उनके अंदर वो अच्छे क्वालिटी के होते थे। तो मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डील कर रहा था और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और जब कभी भी मैं कॉम करता, गीले वालों पे करता तो वो थोड़े बहुत तो ठीक होते, बट सूखे वालों पे करता तो बाल जैसे कि ड्राई और बेबी थे तो वो टेंगल भी हुए रहते थे और हेयर पीस ही ब्रेक होने लगती थी। तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को काफ़ी मिल रही थी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। और सेकेंड थिंग कि जब कभी भी मुझे कहीं जाना होता था तो मुझे अपने हेयर को पहले सेट करना होता था, और हेयर सेट करने में भी कुछ खास नहीं कर पाता था, बस हमेशा एक ही हेयर स्टाइल मैन बन, एंड आई पर्सनली लाइक मैन बन। बहुत सारे ओकेशन पे ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, मुझे लगता था कि हाँ कुछ है,
मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते थे कि मैं कोई हेयर स्टाइल ट्राई कर पाऊँ। आप लोग को लगता कि मैं हेयर ओपन करके भी जा सकता था, तो आप अभी मैं आपको शायद इस वाले में ही या इसके सेकेंड वाले पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि मेरे हेयर का वॉल्यूम कितना होता था। ये इतने बड़े शोल्डर्स तक पूरा वो हेयर ऐसे ढकता था, उनके अंदर इतने वॉल्यूम होते थे, तो मैं कभी उसे ओपन करके भी नहीं रह पाता था। बहुत कोशिश करूँ तो कभी कदर बहुत हैवी प्रोडक्ट जैसे कि बहुत अच्छे से उसके अंदर लिव इन कंडीशनर और ऑयलिंग वॉइलिंग करके रखूँ तो वो थोड़े बहुत सेटल डाउन होते थे, फिर भी वो उनके अंदर जो बाउंस था, जो वॉल्यूम था, वो होता ही रहता था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि मैं हेयर स्टाइल को ट्राई नहीं कर पा रहा था। मैं मैनमन बनाऊँ, वाइकिंग्स बनाऊँ, बस यही दो तीन ऑप्शन मेरे पास थे, या तो मैं हमेशा टाई करके रखूँ। और जब कभी मैं फोटोग्राफ्स या वीडियोस बनाता था, खासकर इंस्टाग्राम रील्स या ऐसे यूट्यूब के वीडियोस, तो उधर उसके लिए साइड से पूरे हेयर ऐसे निकले रहते थे, मुझे बार बार सेट करना पड़ता था। मैं ड्रेस चेंज करूँ तो मुझे सेट करना पड़ता था, तो हाँ मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ये एक रीज़न है। तो बस इसी के लिए मैंने सोचा कि अच्छा मुझे कट तो करना है, पर ऐसे ही बिल्कुल कह सकते हो कि एक ही बार में पूरा चॉप पूरा ख़त्म नहीं करना था। मैं सोचा था कि ठीक है, मैं जब भी ट्राई करूँगा तो मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े कटवाते लोगों को यूज़ टू हो जाए देखने के, कहाँ का ठीक है ये अपने घर को धीरे धीरे शॉर्ट करवा रहा है 4-6 महीने का टाइम लगाकर। लेकिन 2023 आया और इस साल मैंने इतने ज़्यादा क्रू कट देखे ना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोगों के, और कह सकते हो कि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। हाँ, इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं उस वाले हेयर से अब थोड़ा थोड़ा बोर हो चुका था, हमेशा नहीं रहता था पर मैं हो जाता था यूजली, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मुझे क्रू कट चाहिए था, तो मुझे लगा कि ओके करते हैं, थोड़ा क्रू कट बनाते हैं। तो ये एक रीज़न ऐसा निकल कर आ रहा था कि अच्छा, मेरे पास 2-3 रीज़न हो रहे थे और हम बस मुझे एक ही चीज़ रोक रही थी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बस हेयर के लिए ही सब्सक्राइब करके रखे हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मे बी आप लोग को अच्छा ना लगे कि भाई ने ये क्या किया, बट कोई नहीं, ये तो वापस 10-15 दिन में ही देखोगे कितने अच्छे हेयर्स वापस आ जाएंगे। तो मैं वापस क्रू कट के मूड में था और जैसे जैसे मैं हेयर कटवाने लगा, क्रू कट के लिए ही मैं था कि मैं क्रू कट तक करवाऊंगा, जैसे जैसे मैं हेयर कटवाने लगा तो मैं देखा कि इतने ही छोटे हेयर छोड़कर क्या करना है। 3 साल तक हेयर बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं है, स्कैल्प क्लीन नहीं हुई है, इसके ऊपर डैंड्रफ थे थोड़े और मुझे लगा कोई इन्फेक्शन भी होगा, तो उसके लिए मैं सोचा कि चलो 10-15 दिन की बात है, इसे पूरा क्लीन करवाते हैं। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न था, इसलिए मैंने पूरा बाल ढोना सोचा। और अब आप देख सकते हो कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, एक्चुअली कोई एकदम मिक्स फीलिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेडिकल हुआ पड़ा है कि हाँ मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं बाल लो चुका हूँ, या बहुत खुश हूँ। समटाइम्स बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है कि वो मैंने ये क्या कर लिया है, समटाइम्स ओके ठीक है चलता है ऐसा। और ये अभी मैं कल से ही हेयर कट कर रहा हूँ और कल से मेरे अंदर ये हॉर्मोन्स जो है अप एंड डाउन कर रहे हैं कि रिग्रेट भी कर दूँ और खुश भी हो कि चल ठीक है कुछ ट्राई किया है। बट एक चीज़ का दुख है कि इसकी वजह से जो मेरी आइडेंटिटी थी हेयर की वजह से, अब वो पूरी तरीके से चली गई होगी, क्योंकि मैं ये हेयर का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है भाई। अगर आपके अच्छे हेयर्स हैं और आप उन्हें अगर के इस तरीके से रखते हो तो हेयर का इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस भी मिली थी और लोग मुझे पसंद भी नहीं करते थे, कुछ लोग जो थोड़े वैसे माइंड वाले थे, बट बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रिस्पेक्ट मिली थी और वो रिस्पेक्ट अब मैं कहीं फेंक आया हूँ। हाँ, थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है। और आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, ये पूछने का तो मेरा हक भी नहीं है। तो अगर अभी जिन लोगों के मैंने रिएक्शन एक्चुअली में रिकॉर्ड नहीं किए, पहली बात तो मैं अपने फैमिली को कैमरे के ऊपर लाना कंफर्ट नहीं फील करता हूँ उसमें, तो मैंने उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया लेकिन वापस मैं उसे डालने वाला नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ें होती हैं। सो पर मैं बता सकता हूँ कि उनका रिएक्शन क्या था। सबसे पहले मेरी मम्मी ने देखा, उन्हें पता था कि हाँ मैं जा रहा हूँ करवाने, तो उन्हें पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन जब मैं
वापस एकदम उनके सामने आया, बिल्कुल इस अवतार में। तो वो बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे बालों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बार ऑयलिंग की है, मसाज किया है, तो वो भी मेरे बालों को बहुत पसंद करती थी। तो उन्होंने जब ऐसे देखा तो शी वॉज शॉक्ड, एंड उनका बस यही था कि क्यों करवाया, इतनी मेहनत इसके ऊपर हुई थी। और मैंने पूरे 2 गर्मियाँ उस लंबे बालों में बिताए, और गर्मियों के अंदर लंबे बाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिनके हो गए उन्हें वो तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वो पूरी तरीके से शौक थी, फिर वो बस यही बोल रही थी कि पूरा क्यों होना था, होना था भी तो छोटे छोटे थोड़े करवा लिए होते। उसके बाद मेरे फादर भी बगल में थे, तो मैं उनके पास गया, तो वो पहली बार एक बार ऐसे नज़र देखे, फिर वापस घुमा लिए। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या सोचकर वापस मेरी तरफ देखा और बोला कि अरे यार, कटवाया ठीक है पर पूरा टकला नहीं होना चाहिए था, थोड़े छोटे छोटे रखते। इसके 2 रीज़न है, क्योंकि आज तक लाइफ में मैंने जितनी बार भी ऐसे बाल लुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है, पर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनको यही डर था कि अब इसका तबीयत ख़राब होगा, क्योंकि ये बाल हो चुका है। हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आज से 10-15 साल पहले जब बाल होता था तब, तो वो उसको लेकर थोड़ा वैसे थे, बट मुझे लगता है वो हैप्पी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे हेयर को एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्हें लगता था कि ये थोड़ा सही नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो, एंड फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आई कॉलेज से, उसने मेरा रिएक्शन देखा वो तो बिल्कुल फ्रीज हो गई, वहीं पे बैठी रहेगी, ओ माय गॉड ये क्या कर लिया, बार बार मेरी तरफ देख रही है, मेरे फोटोज खींच रही है कि ये क्या किया है मैंने। सो यस, थोड़ी वो तो थी कि हाँ चीज़ें गड़बड़ कर ली हैं। फिर वो करीब करीब मैं कह सकता हूँ 1 घंटे तक मेरे सर को ही देखती रही कि मैंने ये क्या करवाया है, बार बार ये देख रही है, इसी के ऊपर सोच रही है कि क्यों करवाया। ठीक है, तो फैमिली का रिएक्शन भी मिक्स मिक्स, क्या कह सकते हो कि मम्मी और सिस्टर वो दोनों खुश नहीं है, पापा हो सकते हैं वो खुश हों, पर उनकी फीलिंग उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, और मैं अपना को बता ही नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ। कभी मुझे बहुत बेकार लग रहा है, तो कभी ठीक है कि होता है, चलो अब कुछ और स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं, कुछ और भी कंटेंट आप ये ला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द हेयर, एंड या दैट्स इट। अगर कि आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है, और रिएक्शन वाले भी वीडियो में डाल दूंगा, और सॉरी अगर कि मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा है, अगर आप चाहो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे गालियाँ लिख सकते हो कुछ भी लिख दो, और अगर कहीं कुछ और भी है तो वो भी कह सकते हो। सो अभी मैं यही अभी ये वीडियो पब्लिश करने से पहले मैं सभी लोगों को कॉल करूँगा और उनके रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर डालता हूँ। और भी फुटेजेस हैं, अगर वो फुटेजेस देखने होंगे, मैं ठीक सोचूंगा कि उन हेयर कटिंग की फुटेज को मैं रिलीज़ करूँ कि नहीं। ये वीडियो वैसे कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और इसके ऊपर कोई एडिटिंग भी नहीं होने वाली है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से वहाँ जाने वाली। मैं सोचा लाइव करूँगा, लेकिन मैं कहा ठीक है रहने दो, लाइव करने की भी औकात नहीं है अपनी। सो या चलो बाय बाय, और कुछ होगा तो कमेंट करना, अगर होगा, नहीं होगा तो भी करना, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ाओ इसके ऊपर। और मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए अब कुछ और भी कंटेंट लाऊं, जैसे कि फैशन के अंदर ही अच्छे कंटेंट जो कि मुझे पसंद है, ड्रेसिंग, स्किन केयर, एंड मेरे लाइफ से जुड़ी चीज़ें, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, काइंड ऑफ ब्लॉग, बट प्रॉपर ब्लॉग नहीं होगा, फैशन से रिलेटेड ही होगा, और बहुत होगा तो स्टडी से रिलेटेड, बिकॉज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। सो या बाय बाय।